कल की क्लास में हम लोग बात कर रहे थे पॉलिनेशन, और कल पॉलिनेशन में हमने कंप्लीट कर लिया था विंड से पॉलिनेट होने वाले फ्लावर में क्या क्या अडेप्टेशन होते हैं। हाँ, ये ही हमारा इम्पोर्टेंट था, हमको याद रखना था। फिर सेकंड हमने देख लिया कि अगर वाटर से पॉलिनेशन होता है तो कौन कौन से अडेप्टेशन देखने को मिलते हैं वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर में। थोड़ा सा और अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो कुछ नाम भी याद कर सकते हैं, हालांकि आपकी बुक में नहीं है। अगर पॉलिनेशन बाय विंड होता है, पॉलिनेशन बाय विंड होता है तो बायोलॉजी में इसको हम बोलते हैं एनीमोफिली। एनीमोफिली ये कुछ नाम है जो आने वाले फ्यूचर में आपके काम आ सकते हैं। अगर पॉलिनेशन बाय वाटर होता है, पानी से अगर पॉलिनेशन होता है तो इसको बायोलॉजी में हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। अब देखिए, हाइड्रोफिली ऑटोमेटिक पानी, कहीं ना कहीं आपको एक इंडिकेशन मिल रहा है। एनीमोफिली एनीमो, कहीं ना कहीं आपको विंड का एक इंडिकेशन मिल रहा है। और आज की क्लास में हम बात करेंगे पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। अब एनिमल्स में सब कुछ शामिल हो जाएगा, इसमें आपके इंसेक्ट भी आ जाएंगे, रेप्टाइल्स भी आ जाएंगे, बर्ड्स भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। अगर पॉलिनेशन बाय एनिमल होता है तो इसको हम बोलते हैं जूफिली। जू का मतलब एनिमल हो जाता है, हाँ, जूफिली। ये बस थोड़ा सा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, अगर ये याद भी नहीं होते तो भी आपका काम फिलहाल चल जाएगा। तो केवल ये तीन ही पॉलिनेटिंग एजेंट हमारे पास होते हैं, या तो विंड है और वाटर है, ये अबायोटिक हैं, और जो एनिमल हैं वो हमको मालूम है कि वो तो बायोटिक है। ठीक है, तो ये तीन नाम मैंने आपको इंट्रोड्यूस किए। जूफिली मतलब एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, एनिमोफिली मतलब एयर के द्वारा आपका पॉलिनेशन हो रहा है, और हाइड्रोफिली मतलब पानी से पॉलिनेशन हो रहा है। आज का टॉपिक तो ये है, एनिमल से अगर पॉलिनेशन होता है तो फ्लावर में ऐसे कौन कौन से अडेप्टेशन होना चाहिए कि वो एनिमल्स आएंगे और पॉलिनेशन करेंगे। देखिए, बिना काम तो कोई भी नहीं आएगा किसी के भी पास। कुछ ना कुछ एनिमल को वहाँ से रिवार्ड मिलेगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, तभी तो वो फ्लावर के पास आएगा। कोई भी एनिमल बेवकूफ़ नहीं है, पागल नहीं है कि वो फ्लावर के पास जाए। फ्लावर से कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए तभी तो एनिमल आएगा उसके पास, अट्रैक्ट होगा। तो ऐसा ही हम देखते हैं कि आखिर फ्लावर उस एनिमल को क्या क्या दे सकते हैं, क्यों एक एनिमल फ्लावर के पास अट्रैक्ट होता है और उस फ्लावर को पॉलिनेट करता है। ठीक है, तो जूफिली में कई अलग अलग टाइप के एनिमल हैं। खास तौर पे हम यहाँ एनिमल्स की बात करेंगे तो अलग अलग कैटेगरी के एनिमल रिपोर्टेड हुए हैं जो पॉलिनेशन करते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम पॉलिनेशन होता है उसके लिए जिम्मेदार हैं आपके बी। चाहे वो हनी बी कोई भी टाइप का हो, बी बहुत ज़्यादा पॉलिनेशन करते हैं इस दुनिया में। इनके अलावा हमारे बटरफ्लाई भी हम पॉलिनेशन करती हैं, हाँ, बटरफ्लाइज, तितलियाँ हो गई, बहुत सारे बर्ड्स हैं, बहुत सारे पक्षी हैं जो पॉलिनेशन करते हैं, और इवन मैं कहूँगा एक मैमिलिया है चमगादड़, ये रात को उड़ता है और फ्रूट खाता है। ये बड़े बड़े प्लांट्स से फ्रूट केवल खाता है, और मैमिलिया है, इसके द्वारा भी पॉलिनेशन देखने को मिलता है। इवन बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं, खास तौर पे लिजार्ड की हम बात करें, छिपकली गिरगिट टाइप के, उनसे भी पॉलिनेशन देखने को मिलता है, और इवन एलिफेंट जैसे एनिमल से भी पॉलिनेशन देखा गया है। मतलब यहाँ पे ऐसा कोई फिक्स फाइलम नहीं है कि आप बोले कि ये फाइलम ही केवल पॉलिनेशन करता है,
लगभग अभी की बात करें बहुत सारे इंसेक्ट हैं, मोथ हैं, फ्लाइज हैं, मोथ ये छोटी सी तितली जैसे होते हैं, ये अलग अलग टाइप के एनिमल हैं जो प्लांट्स में पॉलिनेशन करते हैं। अब ओवरऑल कोई भी एनिमल हो अगर वो पॉलिनेशन करता है तो उसको हमने नाम दिया था जूफिली, जूफिली। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक आपसे पूछे तो कुछ जो मेन इम्पोर्टेंट कुछ नाम हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ, फिलहाल आपके काम नहीं आएंगे क्लास 12 में, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना फ़ायदेमंद है, कोई नुकसान नहीं होता। अगर बाई इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, हाँ बाई इंसेक्ट, तो इंसेक्ट की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसे हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। कहीं ना कहीं एंट चींटी जैसा दिख रहा है, चींटी मतलब एक कीड़ा, इंसेक्ट। हाँ, एंटोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द इंसेक्ट। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम इंसेक्ट के बारे में पढ़ते हैं उसको हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। इसलिए अगर इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है तो उसको हम बोलेंगे एंटोमोफिली, एंटोमोफिली, पॉलिनेशन बाई इंसेक्ट। हाँ, थोड़ा याद हो जाए तो कोशिश करेंगे। ऐसे ही बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम पक्षियों के बारे में पढ़ते हैं और उस ब्रांच को हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द बर्ड्स। इस दुनिया में कितने तरह के पक्षी हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, कैसे माइग्रेशन करते हैं, ये सब पढ़ते हैं हम ऑर्निथोलॉजी के अंदर। तो अगर पक्षियों से पॉलिनेशन हो रहा है, बाय बर्ड्स अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली। फिली का मतलब पॉलिनेशन। हाँ, एकदम सिंपल, अगर याद हो जाए तो ठीक है, ज़्यादा प्रेशर तो लेना नहीं है दिमाग पे। ठीक है, एक चमगादड़ का भी मैं बात कर लूँ आपसे। चमगादड़ जो होता है इसको बायोलॉजी में इसका नाम है चीरोप्टेरा। हाँ, इसका नाम क्या है? चीरोप्टेरा, ये इसका जीनस का नाम है चीरोप्टेरा। अगर चमगादड़ से पॉलिनेशन होता है तो इसको चीरोप्टेरोफिली बोलेंगे। हाँ, बाई बैट अगर होता है तो इसको क्या बोलेंगे? चीरोप्टेरोफिली। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल मैंने बता दिए, हालांकि ये सब के सब जूफिली ही है। तो सवाल ये आता है कि ये इतने अलग अलग टाइप के लिविंग आखिर फ्लावर के पास क्यों आएंगे और क्यों उसको पॉलिनेशन करेंगे। एक्चुअली फ्लावर ने अपने पास बहुत सारे अडेप्टेशन तैयार किए ताकि वो एक इंसेक्ट को, एक पर्टिकुलर इंसेक्ट को, देखिए हर एक फ्लावर जो होता है, ईच फ्लावर, वो अपनी तरफ एक स्पेसिफिक टाइप के लिविंग्स को ही अट्रैक्ट करता है। कई इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो बदबूदार जो फ्लावर होते हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो खुशबू वाले पौधे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो अलग अलग स्पीसीज अलग अलग स्मेल क्रिएट करती हैं ताकि एक स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे फ्लावर के अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्डर, एक स्पेसिफिक स्मेल देखने को मिलती है, स्मेलिंग। हाँ, ऑर्डर, ऑर्डर बोल सकते हैं, एक स्पेसिफिक ये फ्रेग्रेंस हम बात कर सकते हैं, फ्रेग्रेंट फ्लावर होते हैं। ये कोई ऐसा कुछ नहीं है, आप जनरल शब्द हैं जिनको यूज कर सकते हैं। दीज फ्लावर हैव स्पेसिफिक फ्रेग्रेंट एंड बाई दिस स्मेल द पर्टिकुलर इंसेक्ट विल बी अट्रैक्ट टूवार्ड्स द फ्लावर। दूसरी बात, ये इंसेक्ट को फूड प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली जो फ्लावर होते हैं वो फूड प्रोवाइड करते हैं। भाई अगर तुम फ्लावर के पास आओगे तो तुमको खाने को कुछ मिलेगा,
ऐसा कुछ स्पेसिफिक फूड ये फ्लावर के पास होता है और उसी को खाने के लिए इंसेक्ट उसके पास आता है। खास तौर पे फूड के अंदर क्या होता है, नेक्टर, वो मीठा मीठा रस, वो जूस जो उसके बेस में मिलता है, जहाँ पीटल्स वगैरह जुड़ी होती है, जहाँ एंथर और पिस्टिल जहाँ जुड़ा हुआ होता है वहाँ पर मिलता है नेक्टर, और इसी से हनी भी अपना हनी बनाते हैं। इवन बहुत सारे इंसेक्ट तो पोलन ग्रेन को ही खाने के लिए आते हैं, तो पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाएंगे, कुछ को इंसेक्ट खा ले आएंगे और कुछ पोलन ग्रेन से वो पॉलिनेशन कर जाएंगे फ्लावर का। तो ये दो स्पेसिफिक रिवार्ड हैं, इनाम हैं उस इंसेक्ट के लिए जो वहाँ आकर पॉलिनेशन करेगा। इंसेक्ट पॉलिनेशन करेगा फ्लावर का और बदले में फ्लावर उसको क्या देगा, इनाम देगा, रिवार्ड देगा, या तो नेक्टर देगा या पोलन देगा। ठीक है, तो ये खास तौर पे कुछ स्पेसिफिक, अगर हम बात करें तो अट्रैक्टिव कलर भी देखने को मिलता है। अट्रैक्टिव कलर फ्लावर का, एक जो पीटल्स होते हैं वो चटकदार रंग वाले होते हैं, तभी इंसेक्ट उन अट्रैक्टिव कलर्स के लिए उधर आता है और पॉलिनेशन करके जाता है। तो ये कुछ खास इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जिनके कारण एक फ्लावर अपनी तरफ एक स्पेसिफिक टाइप के इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है और बदले में वो इंसेक्ट उस फ्लावर का पॉलिनेशन करके जाता है। एक्चुअली जब भी वो इंसेक्ट आएगा हाँ, तो वहाँ पर जैसे मूवमेंट करेगा तो वो पोलन ग्रेन उसकी बॉडी से चिपक जाते हैं। इसका मतलब ये पोलन ग्रेन थोड़ा स्टाइकी होना चाहिए। पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, स्टाइकी, चिपचिपा होना चाहिए, तभी तो उसकी बॉडी से वो चिपक पाएंगे। इतना भी स्टाइकी नहीं होना चाहिए कि वो फिर एक बार चिपक गए तो छूटेंगे ही नहीं। हल्का सा पाउडरी टाइप का पोलन ग्रेन होता है जो उसकी बॉडी से चिपक जाता है, और जैसे ही वो इंसेक्ट फ्लावर में मूवमेंट करता है वो झड़ भी जाता है तुरंत से, और वहाँ पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर ये सवाल आपको 2 नंबर में आएगा तो आपको 4 पॉइंट तो लिखना ही पड़ेगा, अगर ये 3 नंबर में आएगा तो आपको 6 पॉइंट बनाना पड़ेगा। अब हम केवल पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्मेल होता है स्पेसिफिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड प्रोवाइड किया जाता है फ्लावर से, ये बढ़िया इंपॉर्टेंट है। अट्रैक्टिव कलर होते हैं इसके पीटल्स के, पोलन ग्रेन थोड़ा स्टाइकी टाइप के होते हैं जो इजीली बॉडी से चिपक सकते हैं इंसेक्ट के। और क्या है, समटाइम्स जो फ्लावर है वो इंसेक्ट को एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है ताकि वो इंसेक्ट उस फ्लावर में आके अपने अंडे दे सके। हैं, कई इंसेक्ट तो एक सेफ प्लेस के लिए आते हैं फ्लावर के पास। इंसेक्ट आएगा फ्लावर के पास, उसमें मूवमेंट करेगा और जहाँ बढ़िया जगह दिखेगी वहीं अपने अंडे छोड़ के चला जाएगा। अब जब ये जा रहा है और जब घूम रहा था तो पॉलिनेशन हो गया फ्लावर का और उसके अंडे सेफ जगह पे आ गए। अब अंडों से जब इंसेक्ट बनेंगे तो छोटे मोटे जो लार्वा हैं उनको शुरुआत में फूड मिल जाएगा उस फ्लावर से। तब तक वो जो फ्लावर है वो धीरे धीरे फ्रूट बन रहा है, तो इंसेक्ट को भी फायदा हो गया और फ्लावर को भी फायदा हो गया। फ्लावर से फ्रूट बन गया और इंसेक्ट के जो अंडे थे वो भी डेवलप होके बन गए। हाँ, तो इस तरह का कई बार देखने को मिलता है। और कई प्लांट में तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक पर्टिकुलर इंसेक्ट अगर है तब ही उस फ्लावर का पॉलिनेशन होता है। इसका मतलब वो पॉलिनेटिंग एजेंट जो इंसेक्ट है और वो जो प्लांट है वो दोनों को एक दूसरे के पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये इंसेक्ट आएगा तो ही ये प्लांट पॉलिनेशन कर पाएगा, अगर ये इंसेक्ट नहीं है वहाँ कहीं आसपास तो ये प्लांट का कभी भी पॉलिनेशन नहीं होगा। इसका मतलब प्लांट को अगर सर्वाइव करना है, रिप्रोडक्शन करना है, सर्वाइव तो नहीं कहेंगे लेकिन अगर प्लांट को नई जनरेशन बनाना है, फ्रूट बनाना है, तो इस इंसेक्ट का उसके पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक ऐसे ही इस इंसेक्ट को अगर ये प्लांट नहीं मिला तो ये अपने अंडे नहीं दे पाएगा और इंसेक्ट की स्पीसीज भी खत्म हो जाएगी। इस इंसेक्ट को
जरूरत है इस प्लांट की ताकि वो सेफ अंडे दे सके, और इस प्लांट को जरूरत है इस इंसेक्ट की ताकि उसका पॉलिनेशन हो सके। कई बार इस तरह से एकदम म्यूचुअल रिलेशनशिप इनके अंदर देखने को मिलता है, एकदम कंपलसरी होना यहाँ पे बाउंड माना जाता है कि अगर ये दोनों एक साथ नहीं पाए जाएंगे तो दोनों के दोनों नई जनरेशन नहीं बना पाएंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको रिवार्ड के बारे में समझाया, मैंने वो अडेप्टेशन बताए जो एक एनिमल से पॉलिनेशन होने के लिए आवश्यक होते हैं। आई थिंक आप 5-6 पॉइंट इसमें से आसानी से बना सकते हैं। अगर और पॉइंट की ज़रूरत है तो एक बार नेक्टर लिख दो, एक बार पोलन लिख दो। द फ्लावर विल प्रोवाइड नेक्टर एज ए रिवार्ड, और सेकंड पॉइंट बना दीजिए फ्लावर आल्सो प्रोवाइड पोलन ग्रेन्स फॉर कंजप्शन टू द इंसेक्ट। तो ऐसे करके आप बहुत सारे पॉइंट्स इसमें बनाइए। आंसर जब भी आप लिखिएगा आप पॉइंट में लिखिएगा एज पर द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, तो आपके नंबर कभी भी नहीं काटे जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि मान लीजिए किसी फ्लावर के पास कोई इंसेक्ट आया, मान लीजिए ये एक फ्लावर है और फ्लावर के पास कोई एक ये इंसेक्ट है जो वहाँ पे आया। अब ये यहाँ पे पोलन ग्रेन्स हैं, स्टाइल स्टिग्मा ये सब कुछ है, तो जब ये मूवमेंट कर रहा है तो इसकी बॉडी से पोलन ग्रेन चिपक जाएंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पर झड़ जाएंगे, पोलन ग्रेन यहाँ पर पहुँच गए, ठीक है। कई बार कुछ स्पेसिफिक टाइप के इंसेक्ट या एनिमल या पक्षी कई बार ऐसे भी होते हैं कि जो कुछ इस फ्लावर के पास है, ख़ास तौर पे इसके पास क्या है, या तो नेक्टर है या पोलन ग्रेन है। अगर कोई इंसेक्ट इस फ्लावर के पास आए और इनको कंज्यूम कर ले और बदले में इसको पॉलिनेशन ना करे, नो पॉलिनेशन, भाई फ्लावर ने ये रिवार्ड आखिर किस लिए बनाए? उसने तो इसलिए बनाए कि कोई आएगा इनके इनको कंज्यूम करेगा और मुझे पॉलिनेट करके जाएगा, फ्लावर ने तो इसलिए बनाए। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे भी रिपोर्टेड हुए हैं जो आते जरूर हैं फ्लावर के पास और इन रिवार्ड को इस्तेमाल करते हैं, खा जाते हैं, खूब बढ़िया चूस जाते हैं और बदले में इसको पॉलिनेशन नहीं करते। बेचारा ऐसा लगता है जैसे ठगा गया ये तो, हाँ, ऐसे इंसेक्ट को जो विदाउट पॉलिनेशन कंज्यूम कर लेते हैं नेक्टर पोलन ग्रेन को, उन इंसेक्ट को हम बोलते हैं चीटर। हाँ, चीटर एक शब्द यूज किया गया, बेईमान है। बदले में भैया एक दूसरे को बेनिफिट करना था, तुम तो अपना ही अपना फायदा उठा के चले गए। फ्लावर तो बेचारा ठगा रह गया, उसका तो नेक्टर भी खत्म हो गया, पोलन भी खत्म हो गए और कीड़ा चला ही गया खा पी के। तो ऐसा देखा गया कई बार, ऐसे लिविंग्स को क्या नाम दिया गया, चीटर। जब आप इकोलॉजी में पढ़ेंगे तो इसको एक नाम और दिया गया है और वो नाम है नेक्टर रॉबर। नेक्टर को डाका डालने वाले लिविंग्स, हाँ, रॉबर का मतलब डाकू होते हैं ना, डाकू, तो ये क्या है, एक तरह के डाकू है और वो नेक्टर और पोलन ग्रेन को खा जाते हैं और फ्लावर को कोई भी पॉलिनेशन नहीं करते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक शब्द थे जो मैंने आपको समझाए, पॉलिनेशन हमारा ख़त्म हो गया। अब सवाल ये है कि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो मैंने पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तीन फेज में बांटा था। एक तो था प्री रिप्रोडक्टिव फेज, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, एक था रिप्रोडक्टिव और एक था पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो हम प्री रिप्रोडक्टिव में अभी तक क्या क्या पढ़ रहे थे, गैमिटोजेनेसिस हमने पढ़ा, गैमिट बनाने की प्रोसेस हमने पढ़ी कि मेल ने कैसे मेल गैमिट बनाया और फीमेल ने कैसे फीमेल गैमिट बनाया। एक्चुअली प्लांट ने तो स्पोर बनाए, स्पोर डेवलप होके गैमिटोफाइट बने और गैमिटोफाइट के ऊपर गैमिट बन गए, मेल गैमिट पोलन ट्यूब में बनेंगे आपको याद है, और जो फीमेल गैमिट है वो एम्ब्रियो सैक में एग के रूप में सिनर्जिड, ये वाला कंडीशन बना था। तो ये भी बन गया, ये भी बन गया, गैमिटोजेनेसिस हो गया।
अब अगला जो हम प्री रिप्रोडक्टिव में पढ़ रहे थे, पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन एक्चुअली वो प्रोसेस है जिससे मेल गैमिट फीमेल गैमिट के पास पहुंच रहा है। तो पॉलिनेशन किस किस तरीके से हुआ वो भी हमने पढ़ लिया, वाटर से हो सकता है, एयर से हो सकता है, एनिमल से हो सकता है, लेकिन लेकिन अभी फीमेल गैमिट यहाँ पर है, फीमेल गैमिट ये एग सेल, और मेल गैमिट जो अभी आया कहीं से भी आया वो अभी यहाँ पर आके पहुँचा है। इसमें ये दो सेल स्टेज में ये पॉलिनेशन हुआ है, ये वाली कंडीशन है। तो अभी भी मेल गैमिट फीमेल गैमिट के पास नहीं पहुंचा। अब क्या होना है, यहाँ पर जो ये मेल गैमिट है ये कैसे यहाँ पहुंचेगा? ये पोलन ग्रेन जो ऊपर आपके पहुंच चुका है, पोलन ग्रेन, अब हम इसको क्या बोल रहे हैं, पोलन ग्रेन कितनी सेल स्टेज में है? अभी अभी ये टू सेल स्टेज में है, मोस्ट ऑफ प्लांट में टू सेल स्टेज में, बाद में ये थ्री सेल बन जाएगा, वो अलग होगा। अब यहाँ पर जब ये पॉलिनेशन हो चुका, पॉलिनेशन केवल इतना ही है एंथर से स्टिग्मा पर पहुँचना, दैट्स ऑल, ये पॉलिनेशन ख़त्म हो गया। अब पॉलिनेशन के बाद क्या होना बाकी है कि कैसे एक पोलन ग्रेन इस ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक में एंटर करके मेल गैमिट रिलीज करेगा, अभी यहाँ तक की बात बाकी है। तो क्या ये किस तरह से यहाँ पहुँचना है, ये है पोलन और ये है आपके पिस्टिल, ये क्या है, पूरी की पूरी पिस्टिल है। तो इसका मतलब अभी पोलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में कुछ प्रोसेस होगा, कुछ मैकेनिज्म होगा, कुछ फंक्शन होगा, तभी तो मेल गैमिट फीमेल गैमिट तक पहुंचेगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पोलन पिस्टिल, इसको हम बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ठीक है, इंटरेक्शन। तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आफ्टर लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा हाउ दिस मेल गैमिट रीच्ड टू द एम्ब्रियो सैक ऑफ द ओव्यूल, ऑल द इवेंट्स, क्या क्या होगा, क्या क्या घटनाएं होंगी, वो सभी इवेंट्स यहां पर पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहलाएंगे। बात समझ में आना चाहिए, क्या होता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, आफ्टर द लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा हाउ दीज मेल गैमिट्स रीच्ड टू द एम्ब्रियो सैक ऑफ द ओव्यूल, ऑल द इवेंट्स, क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, ये सभी कुछ कहलाएगा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। हम ये भी सिंपल भाषा में बोल सकते हैं पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर पहुंचने से लेकर, स्टिग्मा पे पहुंचने से लेकर एम्ब्रियो सैक के अंदर मेल गैमिट रिलीज करने तक की जो प्रोसेस है, जो जो प्रोसेस होना है आफ्टर द लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन एंड टिल द रीच्ड इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, ऑल द इवेंट्स विल बी कंसिडर्ड एज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इज दैट क्लियर? तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन ये भी हमारा प्री रिप्रोडक्टिव इवेंट में ही आएगा, और जब मेल फीमेल गैमिट एक दूसरे के पास पहुंच जाएंगे तब हम जाएंगे रिप्रोडक्टिव फेज में, तब जाकर यहाँ हम जायगोट बनाएंगे, और जब जायगोट बन जाएगा तब हम जाएंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में, ठीक है। ये एक बेसिक कहानी है जो लगातार आपको समझते हुए चलना है। अभी मैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन पर जाने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जो तीन नंबर में न जाने कितनी बार अभी तक सीबीएसई एग्जाम में आ चुका है, अपने हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और वो टॉपिक है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज। ये एक टॉपिक है जो तीन नंबर के लिए बहुत बार पूछा जाता है, क्या होता है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज। देखिए, डिवाइस का मतलब कोई एक तरीका, कोई एक मैकेनिज्म, कोई एक टूल,
हाँ, कोई भी एक टूल, कोई भी एक मैकेनिज्म, कोई भी तरीका जिसके कारण आउटब्रीडिंग होता है। आउटब्रीडिंग क्यों होता है? देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं। जब हम एक हमारा चैप्टर आएगा आगे चल के, वहाँ हम प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम पढ़ेंगे। प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, ब्रीडिंग का मतलब कहीं ना कहीं दो सुपीरियर प्लांट को आपस में क्रॉस करके एक और भी सुपीरियर प्लांट तैयार करना। आप बोलेंगे सर ये तो हाइब्रिडाइजेशन है। बिल्कुल ये हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन अगर इस पर्पज के साथ किया जाए कि दो क्रॉप, दो प्लांट से एक सुपीरियर प्लांट तैयार किया जाए या क्रॉप वैरायटी में इम्प्रूवमेंट किया जाए, क्रॉप वैरायटी में अगर इम्प्रूवमेंट किया जाए, तो इस तरह के क्रॉस को, इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को हम ब्रीडिंग बोलते हैं, ब्रीडिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो ये ब्रीड क्या होता है ये भी एक अलग बात है, थोड़ा सा ब्रीड कितने टाइप का होता है वहाँ उस टॉपिक में, उस चैप्टर में ही ज़्यादा अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे। फिलहाल मैंने एक जनरल बता दिया आउटब्रीडिंग। अब देखिए अगर सेम स्पीसीज या सेम प्लांट के अंदर अगर हो रहा है, जैसे मान लीजिए हमारा ऑटोगेमी, मैंने आपको बताया था ऑटोगेमी में क्या था, एक फ्लावर था, इसी के पोलन ग्रेन इसी की स्टिग्मा पे लैंड कर रहे थे, तो इसको हमने एक तरह से बोला इनब्रीडिंग। इसको क्या बोला? इनब्रीडिंग, मतलब वो सेम स्पीसीज है, सेम प्लांट है, उसी के अंदर आपस में ही ब्रीडिंग हो रहा है, आपस में ही क्रॉस हो रहा है, ये इनब्रीडिंग है। अगर ये दो अलग अलग प्लांट हैं, हम चाहते कि इसके पोलन ग्रेन एक दूसरे फ्लावर, चाहे इसी पौधे का कोई फ्लावर हो चाहे कोई दूसरे पौधे का फ्लावर, उसके पोलन ग्रेन यहाँ पर आए और फिर वो जाइगोट बने, तो इसको हम आउटब्रीडिंग बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? आउटब्रीडिंग। हमने देखा थोड़ा सा, अब एक थोड़ा कंसंट्रेशन आपको करना है, बहुत सिंपल सा है, आउटब्रीडिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। इनब्रीडिंग होने के लिए एक्चुअली, मैं अब इसको सिंपल भाषा में बोलूं, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए भी प्लांट में कुछ स्पेशल तरीका था, आपको याद हो तो। 100% वहाँ सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा अगर वहाँ क्लिस्टोगेमस फ्लावर देखने को मिलते हैं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर याद आ रहा है, क्लोज टाइप के अगर फूल हैं, तो ये एक ऐसा तरीका है पौधे का जिसमें वो सेल्फ पॉलिनेशन करवाता है। और जब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो हमको मालूम रहेगा सेल्फ पॉलिनेशन में, ये बात तो ठीक है कि 100% पॉलिनेशन हो जाएगा, एक फ्लावर है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और नो नीड ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, कोई पॉलिनेशन की आवश्यकता नहीं होगी। ये बहुत सारे फायदे हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर होने से, लेकिन लगातार अगर सेम स्पीसीज के पोलन ग्रेन सेम प्लांट पे ही आते रहेंगे तो नया वेरिएशन नहीं आएगा, स्पीसीज का एवोल्यूशन नहीं आएगा। और इवन अगर लगातार इनब्रीडिंग 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 होता रहेगा तो जो क्वालिटी है पौधे की उसमें बहुत ज़्यादा एकदम कमी आ जाएगी, और उस कमी को हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये आगे अगले टॉपिक में काम आएगा। मैं ये बता रहा हूँ कि सेल्फ पॉलिनेशन का क्लिस्टोगेमस में जहाँ फ़ायदा हमको देखने को मिल रहा था, उसका एक नुकसान भी है कि प्लांट की क्वालिटी खराब हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, अच्छा वैरायटी और तैयार होने की बजाय उल्टा नुकसान होने लगता है सेल्फ पॉलिनेशन से। जब हम हेरिडिटी पढ़ लेंगे और जब हम ब्रीडिंग प्रोग्राम की बात करेंगे तब ये कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। फिलहाल केवल एक टच आपको दिया हूँ कि रेगुलर इनब्रीडिंग होने से प्लांट की क्वालिटी में लॉस होता है। हाँ, तो ये एक ऐसा तरीका था जो इनब्रीडिंग को सपोर्ट कर रहा था, ये एक ऐसा मैकेनिज्म था जिससे प्लांट में इनब्रीडिंग हो रहा था, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था। और हमारा टॉपिक अभी है आउटब्रीडिंग डिवाइसेज। हमारा टॉपिक क्या है? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज। इसका मतलब प्लांट
के पास ऐसे कौन कौन से तरीके हैं कि वो अपने सेल्फ पॉलिनेशन को, सेल्फ पॉलिनेशन को तो बोलता है कि भैया तुम मत हो, सेल्फ पॉलिनेशन को ये डिनाइड करता है और सपोर्ट करता है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन हो। क्रॉस पॉलिनेशन जितना ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा वेरिएशंस आएंगे और जितने ज़्यादा वेरिएशन आएंगे वो स्पीसीज उतनी ही ज़्यादा इवॉल्व होगी, नए नए फीचर्स उसके अंदर डेवलप होंगे। तो जो हायर प्लांट्स हैं उन्होंने अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन हो, मतलब एक डिफरेंट फ्लावर के पोलन ग्रेन डिफरेंट फ्लावर पे पहुँचें, ऐसा श्योरिटी करने के लिए क्या क्या अपने अंदर टूल्स, मैकेनिज्म या तरीका डेवलप किया, वो सभी तरीके, वो सभी टूल्स, वो सभी मैकेनिज्म आउटब्रीडिंग डिवाइसेज कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? कंसेप्ट समझ में आएगा तो किताब पढ़ के आप आसानी से समझ जाएंगे आखिर क्या फायदा है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस से। जितना ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन होगा उतने ही अलग अलग टाइप के जीन्स कंबाइन होंगे और उतने ही ज़्यादा वेरिएशंस आएंगे और वो स्पीसीज उतनी ही ज़्यादा इवॉल्व करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देगी। ये बहुत ज़रूरी है वेरिएशन का आना। ये जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। इनब्रीडिंग से नुकसान होता है, आउटब्रीडिंग अच्छा होता है एक स्पीसीज के डेवलपमेंट के लिए। तो बहुत सारे हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट के ऐसे एग्जांपल हमको देखने को मिलते हैं, ऐसे तरीके प्लांट ने डेवलप कर लिए जिनसे वो सेल्फ पॉलिनेशन को डिनाइड करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करते हैं। मैं केवल चार तरीके आपको बताऊँगा और चार तरीके अगर आपको याद हो गए तो तीन नंबर आपके तैयार हो जाएंगे, तीन नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। एक तो आप डिफाइन कर दीजिए क्या है आउटब्रीडिंग डिवाइसेज, ऐसा कोई भी तरीका, ऐसा कोई भी मैकेनिज्म जिसमें वो क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करता है, वो तरीका आपका आउटब्रीडिंग डिवाइसेज कहलाएगा। बस केवल ये चार पॉइंट आप याद रखिए। क्या क्या है? सबसे पहले मैं बात करता हूं कि रिलीजिंग ऑफ मेल एंड फीमेल, या हम बात करेंगे नॉट सिंक्रोनाइजेशन। देखिए सिंक्रोनाइजेशन शब्द मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, सिंक्रोनाइजेशन, नॉट सिंक्रोनाइजेशन इन मैच्योरिटी ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ये एक तरीका है जिससे वो क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करता है। क्या है ये थोड़ा समझिए। एक फ्लावर है, मान लीजिए ये एक फ्लावर है, ये इसके पोलन ग्रेन और ये इसकी स्टिग्मा, ठीक है, ये पिस्टिल हो गई। अब देखिए जब ये फ्लावर पहले छोटा था, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो इसमें सबसे पहले या तो ये मेल वाला ये मैच्योर हो गया और ये अभी तैयार ही हो रहा है, ये अभी पोलन ग्रेन को रिसीव नहीं कर पा रहा है, ये अभी इमैच्योर है, ये कुछ नहीं करेगा, अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। अगर इसके पोलन ग्रेन मैच्योर हो गए तो वो उड़ जाएंगे हवा में, फट जाएगा ये, और फट जाएगा और अभी बेचारा ये तैयार ही नहीं है। इसका मतलब अगर इसके पोलन ग्रेन इसके पास पहुँच भी गए तो बाद में वो ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे, झड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपका पिस्टिल तैयार नहीं हुआ। अगर ये दोनों एक साथ तैयार हो जाते तो सेल्फ पॉलिनेशन के ज़्यादा चांस थे। अगर दोनों एक साथ तैयार होते, मेल एंड फीमेल बोथ पार्ट विल बी मैच्योर एट द सेम टाइम, देन द चांसेज ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन, बट नॉट सिंक्रोनाइजेशन इन द मैच्योरिटी। ये 5 दिन पहले ही पक गया, पकने के बाद इसके पोलन ग्रेन झड़ गए और ये 5 दिन के बाद तैयार हुआ, मतलब खुद के पोलन ग्रेन तो ख़त्म हो गए ना इस फ्लावर के। अब अगर हवा में कहीं ना कहीं और दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन इसके साथ जो रिलीज हुए, अगर वो हवा से यहाँ पहुँचे या इंसेक्ट से पहुँचे, वो अब ये एक्सेप्ट कर लेगा और इसको अलाउ कर देगा। इसका मतलब क्रॉस पॉलिनेशन को अलाउ करेगा ऐसा कंडीशन।
थोड़ा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगर एक साथ मेच्योर होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांस बन जाएंगे, अगर एक साथ मेच्योर होंगे ही नहीं, एक पहले ही हो गया एक बाद में होगा, तो जब मैच्योर होगा तभी तो पॉलिनेशन हो पाएगा ना सही ढंग से, तभी तो वो जर्मिनेट कर पाएगा, चाहे मेल पहले डेवलप हो गया चाहे फीमेल पहले डेवलप हो गया। हाँ, ये मान लीजिए पहले ही डेवलप हो गया, ये अभी अपने पोलन ग्रेन निकाल ही नहीं पाया, तब तक तो दूसरा पोलन ग्रेन आके और काम पूरा हो गया, ये लो काम खत्म, अब बाद में ये निकालता रहेगा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये एक तरीका है पौधों का, जहाँ पर उनकी मैच्योरिटी जो अलग अलग पार्ट हैं फ्लावर के, वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे तो वो क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट आपको समझ में आया। चलिए दूसरा पॉइंट हम समझते हैं, ऐसा और कौन सा तरीका है। दूसरा तरीका है डिफरेंट पोजीशन ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट, डिफरेंट पोजीशन ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, ये क्या है, मान लीजिए ये फ्लावर है, अब मेल का जो पार्ट है वो यहाँ पे है और जो फीमेल पार्ट है वो यहाँ पे है, ये इसका पोलन ग्रेन इस तरह से निकले हुए हैं। अब देखिए अगर ये दोनों एक साथ भी मैच्योर हो गए तो इसकी पोजीशन कुछ ऐसी है कि इसके पोलन ग्रेन जब रिलीज होंगे तो यहां आने के चांस बहुत कम है। ये जब मेच्योर होगा इसके पोलन ग्रेन जाएंगे तो इसके चांस कम है, लेकिन कहीं और कोई फ्लावर है और हवा से उड़ते हुए अगर वो आए तो यहां क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांस ज्यादा है। आप बोलेंगे सर ये भी तो उड़ के आ सकते हैं, आ सकते हैं लेकिन चांस तो कम है ना, आ तो सकते हैं लेकिन चांस बहुत कम है, क्योंकि इनकी पोजीशन ऐसी है कि ये चाहकर भी उड़कर इधर नहीं आ पा रहे, ऐसा पोजीशन इनका, पीटल्स और बड़े हो गए लो, हाँ ऐसी पोजीशन बना ली उन्होंने। तो ये डिफरेंट पोजीशन पर अगर एक उस फ्लावर के मेल फीमेल पार्ट लगे हैं तो यहाँ ये सेल्फ पॉलिनेशन को डिनाइड करता है और क्रॉस पॉलिनेशन को ये तरीका सपोर्ट करता है। तो ये दो तरीके मैंने आपको बताए जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेज में आते हैं। चलिए अब तीसरा तरीका और देखते हैं, प्लांट यही नहीं रुके, प्लांट अपने आप को चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन हो, उन्होंने एक तीसरा तरीका भी डेवलप किया है। कुछ कुछ प्लांट ने, सब अपना अपना स्पीसीज है, अपना अपना तरीका वो लोग डेवलप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि चारों के चारों एक साथ एक ही प्लांट में पाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, अलग अलग स्पीसी में किसी में डिफरेंट पोजिशन वाला कंडीशन काम कर रहा है और किसी में वो मैचुरेशन वाला कंसेप्ट काम कर रहा है। और तीसरा तरीका, ये तो बहुत यूनिक तरीका है, प्लांट ने अपने आपके जो फ्लावर हैं वो फ्लावर को ही यूनिसेक्सुअल बना लिया, ये लो काम ही खत्म हो गया, फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल बना लिया उन्होंने इवोल्यूशन करते करते। अब तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं ना, कोई चांस ही नहीं है, मेल फ्लावर अलग है फीमेल फ्लावर अलग है, चाहे वो सेम प्लांट का हो चाहे वो डिफरेंट प्लांट का हो, लेकिन फ्लावर तो बदल गया, फ्लावर बदल गया, ऑटोगेमी नहीं होगा, जिटेनोगेमी हो सकता है, इवन जीनोगेमी भी हो सकता है अगर फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल है। देखिए मैंने आपको बताया था मेल फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, मेल फ्लावर को हम स्टेमिनेट फ्लावर बोलते हैं, स्टेमन से बना है स्टेमिनेट, और फीमेल फ्लावर को क्या बोलते हैं, ऐसा फ्लावर जिसमें केवल फीमेल पार्ट होता है उसको हम पिस्टिलेट फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये कंडीशन है तो यहाँ जीटेनोगेमी होने के चांस हैं, लेकिन पपाया की बात करो, पपाया ऑलरेडी मैंने बताया डेट पाम पपाया, तो पेड़ ही अलग है मेल प्लांट अलग है, ये लो यहाँ पे केवल मेल फ्लावर आएंगे और ये फीमेल प्लांट है जिसपे केवल फीमेल फ्लावर आएंगे, अब यहाँ तो प्लांट ही बदल गए, यहाँ तो जीटेनोगेमी की भी चांस नहीं है, ये तो 100% केवल और केवल जीनोगेमी ही होगा। सो द डेवलपमेंट ऑफ यूनिसेक्सुअल कंडीशन बाय द प्लांट इज द मेन इंपॉर्टेंट आउटब्रीडिंग डिवाइसेज बाई विच दे सपोर्ट क्रॉस पॉलिनेशन।
चलिए अब आपको एक चौथा और लास्ट तरीका भी बता देता हूँ, जिसमें आउटब्रीडिंग डिवाइसेज का चौथा तरीका है। हालांकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है, एक नंबर में भी पूछ लेते इस अकेले तरीके को, और इसको हम बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी। सेल्फ इन कॉम्पिटेबिलिटी। सर ये क्या है? देखिए कॉम्पिटेबल, कॉम्पिटेबल मतलब सुटेबल, कॉम्पिटेबल कॉम्पिटेबल मतलब जो हमारे लिए सुटेबल है। एक कॉम्पिटेबल टीचर आप बच्चों को अच्छा ढंग से पढ़ा सकता है, हाँ। एक कॉम्पिटेबल जिसको मतलब हर कोई एक्सेप्ट करे, वो कॉम्पिटेबल होता है। और इनकॉम्पिटेबल जो सुटेबल ना हो। और सेल्फ मतलब खुद। देखिए इस शब्द में बहुत कुछ छुपा हुआ है। कई ऐसी स्पीसीज देखने को मिली जिनमें जेनेटिकली ये पावर है, बाय जेनेटिक्स ये पावर है, उनके पास ऐसे जीन्स हैं या नेचर ने उनको ऐसा पावर दिया है कि फ्लावर के अगर खुद के पोलन ग्रेन खुद की स्टिग्मा पे आएंगे, सेल्फ अगर पोलन ग्रेन आएंगे तो ये स्टिग्मा बोलेगी यू आर नॉट कॉम्पिटेबल, आप मेरे लिए कॉम्पिटेबल नहीं है, आप इधर आ जरूर गए लेकिन मैं आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं दूंगी, यू कैन नॉट ग्रो हेयर। जब सेल्फ पोलन ग्रेन को स्टिग्मा जर्मिनेट होने से रोक दे तो ये कहलाता है सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी। अगर कोई दूसरे फ्लावर का, उसी स्पीसीज का, अगर दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन इस पे आए, ये बोलेगी यू आर अलाउ वेलकम, आपका स्वागत है, आप आइए पोलिनेशन कीजिए, दूसरे को अलाउ करती है। ऐसा भी स्पीसीज बहुत सारा है, इनके अंदर सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी की पावर नेचर ने डेवलप कर दिया इन पौधों के अंदर, और इनको नेचुरल अगर सेल्फ आ भी जाएंगे तो वो जर्मिनेट ही नहीं कर पाएंगे, केवल और केवल जब तक दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन नहीं आएगा तब तक पॉलिनेशन वाली प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगी। पॉलिनेशन तो हो जाएगा, पॉलिनेशन की कोई बात नहीं है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो कई स्पीसीज में ऐसी पावर है कि वो अपने खुद के पोलन ग्रेन को जर्मिनेशन होने से रोकती हैं और केवल दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन को ही जर्मिनेशन के लिए अलाउ करती हैं। इस पावर को हम बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी पावर। तो मैंने आपको चार ऐसे तरीके बताए जिन तरीकों से एक प्लांट अपना सेल्फ पॉलिनेशन को डिनाइड करता है और केवल क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है क्रॉस पॉलिनेशन को। और इन कौन कौन से तरीके थे? नंबर वन अगर हम बात करें, मैच्योरिटी ऑफ इज नॉट सिंक्रोनाइज, मैच्योरिटी नॉट सिंक्रोनाइज। दूसरा तरीका था क्या था? डिफरेंट पोजिशन ऑफ मेल एंड फ्लावर, बहुत दूर दूर जाके वो डेवलप होते हैं फ्लावर में, वहाँ चांस ही नहीं होते कि वो सेल्फ पॉलिनेशन कर पाए। तीसरा तरीका था प्लांट ही यूनिसेक्सुअल बना दिए, ये लो अब तो काम ही पूरा हो गया, 100% यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन होगा यूनिसेक्सुअल कंडीशन में, सेल्फ तो होगा ही नहीं क्योंकि सेल्फ कुछ है ही नहीं। और चौथी हम बात करें तो वो है सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी। ऐसी पावर है पौधों के पास, कुछ पौधों के पास, कि खुद के पोलन ग्रेन खुद के स्टिग्मा को के ऊपर जर्मिनेट कर ही नहीं पाते हैं। सो दीज आर द फोर आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज बाई विच प्लांट सपोर्ट क्रॉस पॉलिनेशन। आई थिंक योर टॉपिक इज नाउ क्लियर। कल की क्लास में हम बात करेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, कैसे पोलन ग्रेन पहुंच तो गया स्टिग्मा के ऊपर, उसके बाद कैसे वो ओव्यूल के अंदर जाएगा, कैसे अपने मेल गैमेट रिलीज करेगा, ये कहानी है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो कल की क्लास कल करेंगे।